अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मी, अगर हैदर को पता चल गया तो वो तो पागल हो जाएंगे। और शौक है ना आपको लोगों को उनका हक दिलवाने की, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, आपने दुआ से उसका कमरा तो छीन लिया लेकिन मुझसे मेरी दुआ को नहीं छीन पाएंगे। आज तो सिर्फ इस कमरे को छोड़ के गई है दुआ, लेकिन जिस दिन दुआ इस घर को छोड़ने की बात करेगी ना, तो उस दिन आप सब लोग इस घर में रहना दुश्वार हो जाए। अम्मी, बस दुआ कीजिए कि दुआ मर ही जाए। अम्मी, वरना हम चैन से जी नहीं पाएंगे। जैसे तैसे करके हैदर से बात छुपा ली जाएगी, मगर दुआ के मरते ही माँ बेटे का रिश्ता जी उठेगा। सही कह रही हूँ बेटा, दुआ जिंदा नहीं बचनी चाहिए, वो मर गई तो सारे फसाद की जड़ खत्म हो जाएगी। होंगे तुम्हारे शैतानी इरादे, दुआ नहीं मरेगी, तू मरेगी। मम्मी, तुम्हारे सीने में पत्थर है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दुआ को चोट पहुंचाने की? बोल, नहीं तो मार मार के तेरे गाल लाल कर दूंगी। ये बुढ़िया तो पागल हो गई है, कहीं मुझे ही थप्पड़ ना चढ़ते। तेरी जुर्रत कैसे हुई? तेरे हाथ नहीं कांपते? क्योंकि वो इसी लायक है। जाकर पूछिए अपनी दुआ से अम्मी, क्यों मेरी गजल और हैदर के रिश्ते को मुकम्मल नहीं होने देती? क्यों हैदर को गजल के करीब नहीं आने देती वो? बीवी पहली हो या दूसरी, बीवी तो बीवी ही होती है ना अम्मी जान। शौहर को अपनी बीवी के साथ रहने का हक हमारा मस्तक देता है, फिर क्यों दुआ गजल को उसका हक नहीं पाने देती? क्या आपकी दुआ मजहब से बढ़कर है? चुप! अपनी गंदी जुबान से मेरे पाक मजहब का नाम मत ले। जिसने एक इंसान का खून किया उसने पूरी इंसानियत का खून किया, यही कहा है हमारे मजहब में। हमारी दुआ को धक्का देते समय तुम्हें इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं आया? ये जालसाज दीने मजहब का सहारा लेकर अपना उल्लू सीधा करने वालों में से हैं। तू बेवकूफ, इसकी बातों में आकर मुझे मजहब का सबक पढ़ा रही है? अरे पहले इंसान तो बनो फिर मजहब पे बात करना। तू किस हक की बात कर रही है मुझसे? बकायदा दुल्हन बन के आई थी मेरी दुआ इस घर में। अरे घोस पैर तो इस चुड़ैल ने की है, दुआ ने नहीं।
शीना है, मेरा हैदर, मेरी दुआ तो चैन से जी रहे थे, लेकिन ये गजल, ये बीच में आ गई। इस गजल ने इस घर को बर्बाद किया और तू भी इसकी जिम्मेदार है। गलतियां करते करते तू गुनाह भी करने लगी ना। बेचारी बच्ची को तूने सीढ़ियों से धक्का दे दिया और अब उसकी मौत की दुआएं दे रही हो। तुम्हारी शर्म तो पहले ही मर चुकी है, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारा जमीर भी कब का बिक चुका है। अरे कमबख्त, कम से कम कबूल तो करो कि तुमने गुनाह किया है। वो तुझसे गलती हुई है, ये बुढ़िया तो हीना को सुधारने की कसम खाकर आई हुई है। कहीं हीना दुआ को मारने का इरादा ना बदल दे। अगर आज मेरी अम्मी होती ना तो मेरी तरफ से लड़ती, लेकिन आपकी मेहर कि आज मेरी अम्मी भी जिंदा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ, ये हुई ना बात। कोई गुनाह नहीं किया, मैंने सिर्फ गजल की अम्मी होने का फर्ज निभाया है। मैंने तो पागल हो गई है। मैं फर्ज निभाने के लिए पागल हो गई हूँ अम्मी? आपको मेरा दर्द दिखाई नहीं देता, मेरे जज्बात नहीं दिखाई देते, मेरी नाकामी का एहसास नहीं होता आपको? आप गवाह है अम्मी, मेरी भूल की वजह से इस मासूम बच्ची के सर पे से उसकी अम्मी का साया उठ गया और मैं उसकी अम्मी नहीं बन पाई, इसकी हिफाजत नहीं कर पाई। मैं कितनी बार ये यतीम मासूम बच्चे हमारे घर में जलील हुई, जुल्म हुए, उस पर बेइज्जत की गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब नहीं, जो भी मेरी बच्ची की खुशियों के दरमियान आएगा, जो भी उसकी खुशियां उससे छीनेगा, मैं उसे कुचल दूंगी। दुआ बेगम, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।